वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। उदयपुर के नववर्ष धर्म सभा में अपने इस बयान के बाद एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में है। इस बार चर्चा में बागेश्वर सरकार ना तो अपनी पर्ची के कारण है और ना ही अपने भव्य दरबार के कारण। खबरों के मुताबिक बाबा इस बार कानूनी पेच में फंस गए हैं और माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल 23 मार्च को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उदयपुर में एक धर्म सभा आयोजित की गई। गांधी ग्राउंड में आयोजित इस धर्म सभा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के साथ साथ बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उत्तम स्वामी महाराज ने भी शिरकत की थी, जहां अपने संबोधन के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने लाखों की भीड़ के बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दिया था। वहीं बागेश्वर सरकार ने अपने संबोधन में हिंदू राष्ट्र और राजसमंद के कुंभलगढ़ का नाम लेकर एक बयान जारी किया था। वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में धारा 153 के तहत केस दर्ज किया है। कल भारतीय नववर्ष जो जनसभा थी यहां पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहां पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में। तो हमारे यहां भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में जो 153A में IPC में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR दर्ज होने के बाद बाबा के समर्थन में उतरकर उदयपुर के हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया। चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाबा पर हुई इस कार्रवाई को गलत ठहराया। इसके अलावा 24 मार्च को कुंभलगढ़ में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों को छोड़ने की मांग भी की। एक सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ है, GK के अंदर ये प्रश्न है, और उस किले के ऊपर भगवा क्यों नहीं लहराना चाहिए, ये मुझे खाली कोई एक जना तर्क दे दे। किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं कहा है, किसी मंदिर और किसी मस्जिद पर लगाने के लिए नहीं कहा है। जैसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर भगवा लहराएगा, वैसे ही महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के ऊपर भगवा लहराएगा और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। और सिर्फ चित्तौड़, सिर्फ कुंभलगढ़ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ तो अभी झांकी है और चित्तौड़ अभी बाकी है, उसके ऊपर भी केसरिया लहराएगा। भारत माता की जय। और सभी सर्व समाज से जितने भी संगठन है सभी आए हुए हैं और सबके अंदर पूरा का पूरा रोष है। प्रशासन इस चीज को समझ ले कि आज तो सिर्फ झांकी है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि श्रीमान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से ले लिया जाए और जो भी 5 जनों को कुंभलगढ़ में जिनको जबरदस्ती मुकदमा बनाकर, सबको मालूम है कि वो बच्चे कहाँ है क्या नहीं, हम सब जानते हैं कहाँ थे कहाँ नहीं थे, मौके के ऊपर नहीं थे, वो जबरदस्ती उठाया गया उनको, उनके ऊपर से भी मुकदमा लिया जाए। नहीं तो हिंदू समाज में इतना रोष है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है और जो भी फिर गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। आपको बता दें उदयपुर की जनसभा में कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर भी खुले मंच से बात हुई। दोनों ही धार्मिक गुरुओं ने कन्हैया लाल की हत्या का विरोध किया था। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान करते हुए कहा था कि हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद किया जाना चाहिए और अपनी रक्षा के खातिर सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए।